अगर आपके पास है Redmi Note 13 Pro 5G मोबाइल और आप अपने मोबाइल में दोस्तों स्क्रीन फिंगरप्रिंट लॉक सेट करना है तो कैसे सेट करेंगे दोस्तों। फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन कर लीजिएगा। सेटिंग्स को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से आपके मोबाइल में शो हो जाएगा। आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे फिंगरप्रिंट अनलॉक का ऑप्शन आ जाएगा, फिंगरप्रिंट अनलॉक पे क्लिक करेंगे। अगर आपने पहले से कोई भी स्क्रीन पैटर्न या पिन लॉक बनाया रहेगा तो वो आपको डालना, अगर नहीं बनाया रहेगा तो आपको पहले एक स्क्रीन लॉक सेट करना पड़ेगा। तो मैंने पहले से बनाया था वो लॉक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, पैटर्न लॉक बनाया था। अब यहाँ पे फिंगर सेंसर पे आपको फिंगर टच करना इस तरीके से और टच कर लेना है आपको दोस्तों। आपके मोबाइल में ये आइकन जो ऊपर दिख रहा है ये पूरा फुल हो जाएगा, और जैसे ये दोस्तों फुल हो जाता है आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट लॉक सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। तो हम लगा लेते हैं फटाफट, चारों तरफ से लगा लेना है। उसके बाद में यहाँ पे डन का ऑप्शन आ जाएगा, तो डन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसी दोस्तों आपको डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट लॉक सक्सेसफुली सेट हो जाता है। तो इस तरह से अपने मोबाइल में फिंगरप्रिंट लॉक सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे देखते हैं फिंगरप्रिंट लॉक आ जाता है, यहाँ से आप अनलॉक कर सकते हैं।